Okay, in the eighth question, if you see that, it's given that suppose x has binomial distribution having b 6.5. सिक्स कॉमा हाफ का मतलब होता है कि जब भी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको इस तरह लिखा जाता है, बी ब्रैकेट एन कॉमा पी, मीन्स जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट एन यानी नंबर ऑफ ट्रायल, सेकंड नंबर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट एक्स, बिकॉज इन्हीं दो पैरामीटर से हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बी 6.5 देन शो दैट एक्स इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम. मतलब हमें यहाँ शो करना है कि x इक्वल टू 3 यानी जब x की वैल्यू 3 होगी तो उसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तभी हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज दी मोस्ट लाइकली आउटकम. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार एक्सप्लेन करते हैं. ओके, एट्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है b जिसको हम लिखते हैं n कॉमा p, और ये दिया हुआ है आपको b 6.5. तो इसका मतलब हो गया हमारे पास इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल 6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट इज हाफ. तो अगर p हाफ है तो q 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ आ जाएगा. तो हमारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बन जाएगा, पी एक्स इक्वल टू आर, एन सी आर फॉर्मूला होता है, तो 6 CR 1/2 रेस द पावर r एंड 1/2 रेस पावर n माइनस r यानी 6 - r. और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा पी एक्स इक्वल टू आर 6 CR 1/2 रेस पावर 6. ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया. और मैंने आपको बताया था कि r की जो वैल्यूज होती हैं दे आर ऑलवेज वेरीज फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू n यानी 6 तक जाएगी. अब हमने क्या करना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हर एक वैल्यूज को पुट करना है, आर की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक हम यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी. तो जैसे हम आर को 0 पुट करेंगे तो वी हैव 6 is 0 1/2 रेस पावर 6. देन पी एक्स इक्वल टू 1 6 C 1 1/2 रेस पावर 6, एक्स इक्वल टू 2 6 C 6 6 C 2 1/2 रेस पावर 6, पी एक्स इक्वल टू 3 6 3 1/2 रेस पावर 6, पी एक्स इक्वल टू 4 6 C 4 1/2 रेस पावर 6, राइट, और पी एक्स इक्वल टू 5 6 C 5 1/2 रेस पावर 6, एंड फाइनली एक्स इक्वल टू 6 6 C 6 1/2 रेस पावर 6. और अब वैल्यूज कैसे निकालें इन सब की, तो मैंने आपको बताया पास्कल ट्रायंगल में आप याद रखना है आपने पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाया. तो हम पहले 4 तक तो भी बहुत इजीली याद है 1, 4, 6, 4, 1, फिर 5 का हम बना सकते हैं ऐड करके 10, 5, 1, और 6 के लिए हम बन जाएगा 6, 15, 20, 15, 6, 1 यानी ये 6 is 0 है, ये 6 is 1, 6 is 2, 6 is 3 6 is 4, 6 is 5 and 6 is 6 यानी 6 is 6 तो यहीं से मिल जाएगा आपको 1/64. नेक्स्ट ये आएगी प्रोबेबिलिटी 6/64, प्रीवियस पे चलते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 15/64, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 20/64, देन 15/64 पास कट ट्रायंगल से देख सकते हैं, देन 6/64 और 1/64. तो इस तरह से हमने सारी आर की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाली और हमने ऑब्जर्व किया कि 20/64 इज़ द मैक्सिमम अमंग दीज. तो हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 3 इज़ द मोस्ट लाइकली आउटकम, एक्स इज द मोस्ट लाइकली आउटकम. तो इस क्वेश्चन में हमें सारी वैल्यू निकाल के दिखाना था, राइट. क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, अच्छा क्वेश्चन है. इसमें लिख एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है. ऑन एमसीक्यू क्वेश्चन विद 3 ऑप्शन, मतलब एक एमसीक्यू का टेस्ट है जिसमें पॉसिबल ऑप्शंस ए बी सी है और इनमें से ऑब्वियसली एक सही होगी और 2 रॉन्ग होंगी, राइट. तो उस बच्चे ने ऐसे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स आर देयर बाय गेसिंग. तो बाइनोमियल का कैसे हुआ, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए यानी एंड 5 हो गया और 4 या उससे ज़्यादा ठीक होने चाहिए, तो हमें आर की वैल्यू 4 या 5 चाहिए, राइट. तो सबसे पहले हम इसमें एक्स डिफाइन करेंगे, एक्स क्या होगा, क्या चाहिए हमें, एक्स चाहिए गेसिंग द आंसर एंड देन आंसर इज करेक्ट. तो एक्स बेसिकली होगा गेटिंग अ करेक्ट आंसर. तो स्टार्ट करते हैं बेटा.
तो एक्स लिखते हैं गेटिंग अ करेक्ट आंसर, एक्स हो जाएगा गेटिंग अ करेक्ट आंसर बाय गेसिंग, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट आंसर बाय गेसिंग इज 1/3, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन है और 3 में से एक ही केस में सही होगा। मीन्स आप गेस वर्क ए को भी कर सकते हैं, बी को भी, सी को भी, पर इनमें से एक ही सही होगा, इसलिए पी हो जाएगा 1/3। क्यू हो जाएगा रिमेनिंग 2/3, एंड कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, 5। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, 5CR 1/3 रेस्ट पावर आर एंड 2/3 रेस्ट द पावर 5-R, राइट। और आर की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो चेंज होगी 0 से लेके 5 तक, और हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एक्स की जो वैल्यू है यानी आपके करेक्ट आंसर 4 या उससे ज़्यादा करेक्ट हो, यानी एक्स की वैल्यू यानी आर की वैल्यू 4 हो सकती है या 5 हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो हम आर की वैल्यू 4 पुट कर देंगे और 5, तो ये आ जाएगा 5C4 1/3 रेस्ट पावर 4 2/3 रेस्ट पावर 1, देन 5C5 1/3 रेस्ट पावर 5 और 2/3 रेस्ट पावर 0 विच इज़ 1, राइट। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 5C5 होगा हमारा 5, 1/3 रेस्ट पावर 4 इंटू 2/3, और 5C1 हो जाएगा पास कट रहेगा से, और बोनस बच जाएगा 1/3 रेस्ट पावर 5। तो मिनिमम पावर इन दोनों की 4 है, तो 1/3 की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 5 to the 10, और यहाँ से बचेगा 1/3, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 11, और इसको हम ले सकते हैं 3 की पावर 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ पर्सन बाय अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, मीन्स 50 लॉटरीज में ट्राई की और उसमें चांसेस उसके जीतने के 1/100 है, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन एटलीस्ट 1 प्राइज, एक्जैक्टली 1 प्राइज एंड एटलीस्ट 2 प्राइज, तो एटलीस्ट 1। तो हम बेसिकली बाइनोमियल कैसे हुआ, क्योंकि 50 लॉटरीज को ट्राई कर रहे हैं और उनमें से सिलेक्टेड केसेस की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। ओके, क्योंकि यहाँ पे 50 लॉटरीज को ट्राई कर रहा है, तो एन हो जाएगा 50, और जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/100, तो हारने की हो जाएगी आपकी 99/100। डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं हम इसका, एक्स बन जाएगा 50CR 1/100 है रेशो द पावर आर एंड 99/100 रेशो द पावर 50-R, पर आर की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे 0 से लेके n तक यानी 50 तक। फर्स्ट केस में बोला हुआ है हमें एटलीस्ट 1 विन, यानी एक्स की जो वैल्यू है 1 हो सकती है उससे ज़्यादा, यानी इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और अब इसकी n तक जाएगी यानी 50 तक। तो इतने सारे केसेस के बजाय हम क्या करेंगे, 1 में से रिमेनिंग केस माइनस कर देंगे, और रिमेनिंग केस बचा 0 वाला, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आएगा 1-50C0 1/100 रेस्ट पावर 0 एंड 99/100 रेस्ट पावर 50, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1-99/100 रेस्ट द पावर 50, राइट। नेक्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली वन का मतलब हो गया आर की वैल्यू 1 पुट कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि 50 में से एक ही लॉटरी जीतने चाहिए। तो 50C1 1/100 रेस्ट पावर 1 एंड 99/100 रेस्ट द पावर 49,
एन सी वन हमारा एन होता है, तो 50/100 आ गया ये, और ये 99/100 रेशो पावर 49 हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1/2 99/100 रेशो पावर 49। सी पार्ट है एग्जैक्ट एटलीस्ट ट्वाइस, यानी दो या उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देते हैं। तो इसका हम लोग एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 से लेके मैक्सिमम 50 तक जाएगी। तो बजाय फिर से याद देखिए इतने सारे केसेस निकालने के बजाय हम क्या करेंगे, 1 में से रिमेनिंग केस माइनस कर देंगे, यानी 0 वाला केस और फर्स्ट वाला केस। 0 वाला केस हमने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला था, देखिए ये ना फर्स्ट पार्ट का ये 0 वाला केस था, 99/100/50, तो ये माइनस कर देते हैं, 99/100/50। और ये वाला केस 1 वाला यहाँ निकाला था, 1/2 99/100/49, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 11th क्वेश्चन पे देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, यहाँ ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, मींस एक डाई फेंक रहे हैं जिसमें डाई पे नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उस 6 नंबर में से 5 चाहिए। तो कन्फ्यूजन नहीं होना हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस, यानी 5 आना चाहिए दो बार इन 7th रो ऑफ अ डाई, 7 बार एक डाई को फेंक रहे हैं, उस 7 में से 2 बार 5 आना चाहिए। तो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट 7 टाइम्स किया राइट, और उनमें से हमें 2 बार एक ही इवेंट चाहिए, और वो इवेंट क्या है, 5 आना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, 11th क्वेश्चन, हमें क्या चाहिए एक्स, गेटिंग 5 ऑन अ डाई, गेटिंग 5 राइट। तो एक्स हो गया, और फिर इस 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, क्योंकि जब डाई को रोल करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेवरेबल केसेस 1 होगा, टोटल केसेस 6 हो जाएंगे। क्यों हो जाएगा बेटा 5/6, और एक्सपेरिमेंट कितने बार हुआ, गेटिंग 5 एक्सेक्टली 2 टाइम्स आउट ऑफ 7 ट्रायल्स, तो एन हो जाएगा 7 और आर हो जाएगा हमारे पास 2। तो सीधा सीधा फॉर्मूले पुट कर देते हैं क्योंकि हमें एक ही केस निकालना है। तो 7c2 1/6 रेशो द पावर 2 एंड 5/6 रेशो पावर रिमेनिंग 5। 7c2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं या तो पास्कल ट्रायंगल से, नहीं तो फॉर्मूला लगा के 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 7 × 6 = 42/2 = 21। और इसको क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है तो इसको लिख देंगे 5 की पावर 5, और नीचे 6 की पावर टोटल 7 हो जाएगी, 5 इधर से 2 इधर से, तो 6 रेशो पावर 7, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा राइट। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एटमोस्ट 2 6s इन 6th थ्रो ऑफ अ डाई, इन एक डाई को हमने 6 बार फेंका और हमें 6s चाहिए, कितनी, ज्यादा से ज्यादा 2। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो मैंने यहाँ पे एक्स डिफाइन कर दिया गेटिंग का 6, क्योंकि मैं 6 चाहिए राइट। और कितनी थ्रोज हो रही है, पहले हम 6 को देख के बात करते हैं। गेटिंग का 6 आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/6, ना आने की 5/6, एक्सपेरिमेंट कितनी बार हो रहा है, 6 टाइम्स, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 2 की बात कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू जो होगी वो 0, 1 और 2 इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं पहले, क्या फॉर्म होता है, 6NCR यानी 6CR 1/6 रेज़ टू द पावर आर
एंड 5/6 रेस्ट द पावर रिमेनिंग 6-r, तो हमें चाहिए एटमोस्ट 2। तो हम x की वैल्यू जो होगी वो 0 पुट करेंगे, मतलब हमें बेसिकली इसको लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 या उससे लेस होगी। तो 0 हमें निकालना है, 1 निकालना है और 2 निकालना है। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6 is 0 विच इज़ 1, 1/6 रेस्ट द पावर 0, 5/6 रेस्ट द पावर 6, या 1 आ जाएगा, 6 is 0 की वैल्यू, फिर 6 is 1 हमारा 6 होगा, तो 1/6 और 5/6 की पावर 5 हो जाएगी, फिर आएगा 62। 62 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 62 का मतलब हो गया 6 × 6 ⅔ / 4 ⅔। तो 6 ⅔ में यहाँ 6 × 5 बचेगा, यानी 30/2 15 आ जाएगा बेटा, नहीं तो पास्कल ट्रायंगल से याद ही आपको, 1/6 का स्क्वायर 5/6 की पावर 4। तो आप नोट कर रहे हो 6 की पावर 6 कॉमन आ सकता है, नहीं तो आप ऐसे करो 5/6 की पावर 4 कॉमन ले लो, क्योंकि मिनिमम ये रहेगी, सब में आ रही है। तो पहले में बचेगा 5/6 का स्क्वायर, क्योंकि 4 पावर कॉमन ले ली ऐसे, तो 2 पावर बच गई, तो 25/36 यहाँ पे क्या बचेगा, 5/6 इधर से, और ये 6 कट गया, नहीं तो एलसीएम लेने के लिए आप इसको 5/6 ही रहने दो। तो 5 × 6 30/36, और यहाँ से बटे ये कॉमन ले चुके होंगे, तो 15/36, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 25 × 50 = 70 और पीछे क्या बचा था, 5/6 की पावर 4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आएगी, इसको और रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, 35/18, तो 35/18 × 5/6 की पावर 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं एक बार। इट इज नोन दैट 10% ऑफ द सर्टेन आइटम्स आर डिफेक्टिव, एक लॉट में डिफेक्टिव आइटम 10% है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव, 12 आर्टिकल आपने निकाले उनमें से 9 डिफेक्टिव होने चाहिए। तो बायनोमियल थ्योरम क्लियरली दिख रही है अब आपको, अब तो बहुत हद तक आइडिया हो गया होगा कि 12 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया राइट, और उनमें से नो डिफेक्टिव आइटम आनी चाहिए। तो सबसे पहले x डिफाइन करते हैं, x हो जाएगा गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम। अब डिफेक्टिव आइटम कितनी थी, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है 10%, यानी 1/10, q 1 में से माइनस कर देंगे 1/10 को, तो 9/10। एक्सपेरिमेंट कितनी बार हुआ, कितने आइटम निकाले, 12, और डिफेक्टिव कितने चाहिए, 9। तो हम सीधा सीधा एक ही केस है, तो डायरेक्टली निकाल देते हैं कि 9 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फॉर्मूला होता है NCR, यानी 12C9, 1/10 रेस्ट पावर 9, एंड रिमेनिंग 9/10 रेस्ट द पावर 3 हो जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 × 9 × 3, तो 12 × 11 × 10 बचेगा, क्योंकि 9 कट जाएगा, नीचे 3 × 2 × 1, ये कट जाएगा 6 × 2 से, तो यानी फाइनल आंसर आएगा 2 × 0, देन 9 रेस्ट द पावर 3, क्योंकि ये 1 रेस्ट पावर 1 रहेगा, और 10 की पावर मैक्सिमम हो जाएगी 12। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि इसको हम इससे ज़्यादा सॉल्व भी नहीं कर सकते। ओके, 14th क्वेश्चन देखते हैं।
इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब 10 आर डिफेक्टिव, यानी 10 में 100 में से 10 डिफेक्टिव बल्ब है, हमने ऐसे 5 बल्ब निकाले और कोई भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो अगेन बाइनोमियल थ्योरम है, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 बल्ब निकाले, उनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ एन वी वॉन्ट आर केसेस। तो सबसे पहले इसमें एक्स डिफाइन करेंगे डिफेक्टिव आइटम, राइट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक्स, एक्स था गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, राइट। और डिफेक्टिव बल्ब है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कितने डिफेक्टिव बल्ब थे, 10 out of 100, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10, क्यूब हो जाएगा 9/10, राइट। और हमने यहाँ क्या करा, 5 बल्ब ऐसे निकाले, तो एन हो गया 5, और उनमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो आर की वैल्यू होगी 0, क्योंकि एक भी नहीं होना चाहिए उन 5 में से। तो फॉर्मूला लगाते हैं पी एक्स इक्वल टू आर, तो मैं सीधा डायरेक्टली वैल्यू पुट करूँगा 5C0 पी यानी 1/10 रेस द पावर आर एंड रिमेनिंग 9/10 रेस द पावर 5। तो 5C01 1/10 रेस पावर 01, तो आपका आंसर आएगा 9/10 रेस द पावर 5। तो क्योंकि MCQ था तो एक बार चेक करते हैं कि भी कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए, एक बार इसको देखते हैं जरा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक होगी, क्योंकि सी 9/10 इज पर 5 है, ठीक है। तो कह देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। फिफ्टीन क्वेश्चन एक बार देखते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है कि स्विमर ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि स्विमर ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। और प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर, यानी 5 में से 4 स्विमर हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनाना पड़ेगा कि 5 में से 4 स्विमर चाहिए। तो एक्स को पहले हम डिफाइन कर लेंगे गेटिंग अ स्विमर, राइट। और फिर स्विमर की प्रोबेबिलिटी जो होगी एक्स अकॉर्डिंग वो आएगी, स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं दी हमें, ना स्विमर होने के लिए 1/5, तो 1 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो पी आ जाएगा 4/5, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो एक्स डिफाइन करेंगे स्टूडेंट इज अ स्विमर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स डिफाइन करते हैं, एक्स हो गया स्टूडेंट इज अ स्विमर। अब आप यहाँ दिया होता कि स्विमर ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, यानी क्यू, क्योंकि एक्स ना होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो पी हो जाएगा 1 में से माइनस करेंगे 1/5, तो 4/5 हो गया। एन एन एक्सपेरिमेंट में आपको दे रखा है कि हमें 5 स्टूडेंट है और 4 स्विमर चाहिए, तो एन 5 हो गया और आर 4 हो गया। तो फॉर्मूला लगाते हैं पी एक्स इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू 4 है, तो आपका आंसर आएगा 5C4 4/5 रेश द पावर 4 एंड 1/5 रेश पावर 1। तो इस अगर ऑप्शन को देखें तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो 5C4 4/5 रेश पावर 6, तो आपको लगेगा कि ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें यह भी पता है कि 5C4 और 5C1 दोनों सेम होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी भी करेक्ट होनी चाहिए, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन ए भी करेक्ट मानी जाएगी एंड सी भी करेक्ट मानी जाएगी, अगर ये MCQ आता, बट बोर्ड में MCQ नहीं आता, तो हम अभी फॉर द टाइमिंग नेक्स्ट आगे फ्यूचर में जरूर आ सकते हैं, तो उस केस में अगर ऐसा आता है तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन करेक्ट होगी, तो इनमें से एक ऑप्शन को CBSE को हटाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर दोनों आती है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होता है तो हम कहेंगे ए और सी बोथ आंसर आर करेक्ट, राइट।